ये 12 पैकेट है चले गए जी। ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितिका सोनटोर एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग वीडियोस बाय द फूड यात्रा टीम। स्पेशली वी आर करंटली इन नागपुर सिटी, और नागपुर सिटी में भी स्पेशली बताने जाऊँ हम झरीपटका एरिया में, और ये पूरा व्लॉग झरीपटका स्ट्रीट फूड के बारे में है। और ये जो हम आप मेरे पीछे लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे स्पेशली फेमस कचौरी मिलती है। आप पहले कचौरी की प्रिपरेशन देखो, कचौरी की प्रिपरेशन देखने के बाद आपसे मैं बात करता हूँ। गाइस, जो हमने ये कचौरी ली है इसका नाम है महाराज की स्पेशल मारवाड़ी कचौरी, मात्र 20 रुपए की। इस कचौरी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आलू की फीलिंग गई है वो तो है, कचौरी है, इसके बाद ऑनियन है, सेव है, उसके बाद स्पेशली दही में दो बार डिप हुआ है, ये खासियत है, और ऊपर से रेड चिली पाउडर। पूरा खट्टा मीठा स्वाद, मज़ा आ गया। स्ट्रीट फूड में ऐसा फ्यूजन मैंने नहीं खाया, कचौरी को कभी मैंने दही के अंदर डिप करके नहीं खाया, 10 में से 8 यार। सो गाइज, वी आर एट आर सेकेंड लोकेशन ऑफ झरीपटका स्ट्रीट फूड फ्रॉम नागपुर, और हम स्पेशली छोले चावल खाने आए। SSD नाश्ता पॉइंट पार्सल सुविधा भी अवेलेबल है, जिसको पार्सल खाना है पार्सल खाओ, जिसको यहाँ पे खड़े होके खाना है खाओ, बट मैं तो बोलूँ यहाँ पे खाओ, स्वाद अच्छा लगता है, गर्मा गर्म खाओ। भैया अभी क्या क्या अवेलेबल है? छोले राइस छोले और पोहा छोले। एक हमारे लिए ना छोले राइस कर दो, हो जाएगा। भैया इसका प्राइस बताना मेरे को। 20 रुपीज। और टाइमिंग शॉप का? सवेरे 10 से लेके रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तक, और सातों दिन यही मिलेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार, मेरे को छोले राइस में ना लेमन बहुत ज़रूरी लगता है। थैंक यू भैया, वेलकम। ये छोले चावल या छोले राइस वाला ना मैक्सिमम कंसेप्ट ये सिंधी साइड, जो झरीपटका साइड है और जिंजर मॉल के साइड ही आपको मैक्सिममली देखने मिलेगा नागपुर में। और आप आ रहे हो तो ये डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि ये स्पेशलिटी है यार ये वाले साइड की, नागपुर की। ये भी 10 में से 7.5 वाला, नाइस। कैसा अभी तीखा खा के हो गया था, मतलब थोड़ा छोले चावल खाया था, थोड़ा तीखा लग रहा था। तो मैं हूँ सिंधी एरिया में, झरीपटका प्रॉपर, तो मैंने बोला यार मेरे को सिंधी मिठाई खानी है। और नागपुर में जैसे अपना उल्लासनगर है मुंबई का, वैसे नागपुर में पूरा एक सिंधी एरिया है प्रॉपर। और हरि ओम ये जो स्वीट मार्ट है, यहाँ पे पूरे आपको पूरे सिंधी मिठाई मिलेंगे, मेरे जो पीछे देख रहे हो। और एक अभी हमने एक मिठाई ली है, प्रॉपर सिंधी ऑथेंटिक मिठाई, ट्राई करते, नाम भी मेरे को पता नहीं, अभिनव भाई ले रहा है, और आने के बाद आपको बता रहा हूँ कैसा है। अभिनव भाई ने मेरे को क्या बोला, तू आया ना तो माजून वाला पे माजून मिठाई ट्राई कर, ये मिठाई के अंदर आपको सूजी, आटा, खसखस, ड्राई फ्रूट्स, और ये 35 रुपीज़ की है। ड्राई फ्रूट्स की कुछ कमी नहीं है, मतलब यार यहीं पे अगर मैं गिनने जाऊँ तो काजू ही 6 पीस दिख रहे हैं भाई साहब। मतलब ये अभिनव भाई ना, मैं जब कभी नागपुर आता हूँ तो मेरे को मोटा करके भेजेंगे। ये है भाई अति उत्तम 10+ वाला, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं। और ये सिर्फ आपको नागपुर में ही मिलेगा, नहीं तो उल्लासनगर में मिलेगा। सो यार, मतलब अभी मीठा खा के हो गया था, तो मैंने बोला था बच्चों के लिए भी कुछ सोचा जाए। बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? चिप्स, कुरकुरे। तो मेरे को पर्सनली उतना ज़्यादा अभी कुरकुरे पसंद नहीं है यार, अभी हो गए यार एडल्ट वगैरह हो गए अपन सब, अभी कुरकुरे वगैरह मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं खाता हूँ। तो सागर प्रोविजंस में आपको कुछ यूनिक मिलेगा, जो कुरकुरे मिलेंगे वो दही कुरकुरे मिलेंगे। ये कुरकुरे आपको स्पेशली नागपुर में ही मिलेगा, और मैंने जब पहली बार दही कुरकुरे देखा था तो नागपुर में ही देखा था, तो वही आज कवर करने आए। चलते हैं दही कुरकुरे देखते हैं कैसे बनते हैं।
सो गाइस आप जो देख रहे हो लेजेंडरी फेमस नागपुर के कुरकुरे दही या दही कुरकुरे बोल लो आप, ये बनने जा रहा है। ये आपको मिलेगा झरी पट्टा के अंदर। अभिनव भाई एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्राइब कर दो। एग्जैक्ट लोकेशन ये माता मंदिर के अपोजिट। ओके, दुकान का एग्जैक्ट पूरा नाम? सागर प्रोविजंस। ओके, उर्फ पोनी भैया। यहाँ पे पोनी भैया के नाम से फेमस है। पोनी भैया झरी पट्टा में आप किसी को भी पूछो बच्चा आपको छोड़ के भी जाएगा। इसका प्राइस भैया? 10 रुपीज। 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपीज के। आप खा के देखो आपको समझ में आएगा कि क्या जोरदार चीज है ये। आपके स्पेशल मसाले है क्या? जी। ओके, मेरे हिसाब से यही सबसे ज्यादा फ्लेवर लाके देगा उसे। ऐसी और चीज आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भी आपके मुंह से ही पहली बार देखा था कि ऐसा है। चलो मैं को आप बोल रहे थे ना चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेडी है भाई आपकी प्लेट। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था, नागपुर इज़ फेमस फॉर देयर फ्यूजन। देखो इन लोगों ने कुरकुरे में भी फ्यूजन कर डाला, दही डाल दिया उसके ऊपर, इन्होंने रेड चिली पाउडर डाला और स्पेशल मसाले डाल दिए और कुरकुरे दही बना दिया। हाय हाय हाय, एक नंबर भाई, एक नंबर। मतलब मैंने कुरकुरे छोड़ के 3-4 साल हो गया, बट ये इसके साथ खा के ना मज़ा आ गया। ये 10 में से पक्का 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 9 वाला है। कोई छोटा बच्चा देख रहा होगा ना, या ठीक है यार एडल्ट भी देख रहे तो डेफिनेटली लोकेशन पे आओ, आपको भी पसंद आएगा। छोटे बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आएगा। देखो कचौरी हो गई, स्वीट हो गया, कुरकुरे हो गया, राइस हो गया। अब बोला चलो थोड़ा कुछ अपने टाइप खाते, चिकन पकौड़े खाने आए। हम चिकन पकौड़े खाने आए दयानंद पार्क जो है झरी पट्टा के अंदर आता है, वहाँ पे भैया बैठते दीपांशु भैया। दीपांशु भैया की शॉप 8 साल से है और इनके जो चिकन पकौड़े है ना सबसे ज़्यादा फेमस है। प्रिपरेशन चलो देखते। गाइस ऐसी चीज़ ना आपको सिर्फ नागपुर में मिलेगी, नागपुर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे अकॉर्डिंग तो भी। भैया शॉप का टाइमिंग क्या है अभी? 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक। और टोटल कितने साल हो गए ये शॉप को अभी? टोटल भैया अभी 8 साल हो गए। 8 साल कंप्लीट हो गए। ओ यही लोकेशन पे? हाँ यही लोकेशन पे। और यही अपनी सिग्नेचर डिश? पूरे नागपुर में नाम चलता है वन साइडेड पंचू के चिकन पकौड़े। ओके, 7 दिनों पर? 7 दिनों पर। गाइज मैं क्या हो गया, भूल गया कि मेरे को कैमरा में शूट भी करना होता है। मैं मेरे खाने में धुंध हो गया था। और ये जो दीपांशु भैया के जो चिकन पकौड़े बोनलेस वाले 80 रुपीज़ है, अगर आपको बोनलेस वाले नहीं चाहिए तो 60 रुपये वाले। और इनका क्रंच मेरे को बहुत ज़ोरदार लगा और ऊपर इन्होंने जो ये मसाला डाला था बहुत ज़ोरदार था। एक नंबर भाई, एक नंबर। 8.5 तो डेफिनेटली इसकी रेटिंग बनती ही बनती है। है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन थी तो मैंने सोचा था, लास्ट टाइम मैं आया था ये स्पेशली झरी पट्टा एरिया में, तो मैंने घर के लिए सिंगर की मिठाई लेके गया था। तो मैं सोचा चाचा के घर जा रहे तो गणेश होटल से वापस सिंगर की मिठाई लेके जाते। आपको दिखाता हूँ कितने डिमांड में है। मतलब एक मिनट, ये देखो यार जाओ ना, अंदर जाओ। आपके पाव के 3 करने हैं? हाँ 3 पाव हमारे। फुल ऑन बिजी, राखी का माहौल और सिंधी मिठाई का तड़का। फाइनली रात हो रही है और रात के समय में हमारा वीडियो का एंड करने का जो हमारा मेन मोटिव था मीठे से करना था, तो मीठे के लिए हम स्पेशली कुल्फी खाने आए झरी पट्टा में, पंजाबी की कुल्फी। ये रबड़ी कुल्फी है ना अभिनव भाई? रबड़ी कुल्फी स्पेशल। एक
ये फलूदा अभी पूरी रबड़ी की बारिश होनी चाहिए। रबड़ी रबड़ी की बारिश बारिश के महीने में भैया इसका प्राइस क्या है? 50 रुपये। ओके, हम जो लोकेशन पे आए पंजाबीज की स्पेशल कुल्फी खाने, यहाँ पे रबड़ी कुल्फी और फालूदा। रबड़ी इतनी गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी है बता नहीं सकता, और पूरा ऐसा सेंसिटिविटी आ रही है, इतना ज़्यादा ठंडा है कुल्फी। ये लोकेशन है भाई 10/10 अति उत्तम वाली, अति उत्तम बोल दिया मतलब मस्ट ऑफ मस्ट रिकमेंडेड। शिल्पा के सामने, शिल्पा के सामने आ जाओ, गोयल के सामने, जरीवटका के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगी, आओ कभी। 50 रुपये की डिश है, एक नंबर डिश है, 10/10 वाली है।